राहुल कसवाज ने चूरू जिले में अपनी संपत्ति बनाई है और जनता कुछ नहीं किया उसने कारण यो कह कोई को नहीं पार्टी कोई को नहीं जब मारो कज आगे हो मोदी कुत्ता घंटी बांधा को नहीं तो ऐ नहीं जाऊंगा मैं तो कसवाज साहब की तो वो टिकट कटनी थी उन पहली गुस्ताखी करी थी उसकी गुस्ताखी होगी उसके साथ उसकी टिकट कट गई। ये बिल्कुल गलत है, इनको 5 साल चुपचाप बैठना चाहिए था। कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है भारत में, कांग्रेस में ले क्या करेगा ये। राम राम भाई सर। राम राम। शुभ नाम जी? सुभाष। सुभाष, तो अब चुनावी सरगर्मियां हैं, एमपी के चुनाव है, किस तरफ जागी चोरू की जनता? चोरू जनता देखो बीजेपी कांजा कांग्रेस कांजा। अच्छा, अपना कीमत है मोदी आना चाहिए तीसरी बार? हैं मोदी वजह के बड़ी बात, बढ़िया काम करूंगा वही आओ। मोदी ने बढ़िया काम करे कौन आधा करे आधा कौन करे कड़ा नुकसान लग गया देखे को काम मांगन गई गली खराब हो रही। अच्छा ठीक है, करो ठीक सही है, अपना भी तो हो रहा है। और राम राम भाई। शुभ नाम जी? सुरेश शर्मा। शर्मा जी, एमपी के चुनाव है, किस तरफ जाएगी चोरू जनता? एमपी का चुनाव देवेंद्र झांझड़िया बीजेपी की तरफ जाएगा। देवेंद्र झांझड़िया तरफ? हाँ। तो अब राहुल कसवा जी की टिकट कटी है तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा पार्टी? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा पार्टी को। क्या फायदा होगा? ये 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, चोरू जिले में कुछ नहीं कराया इन लोगों ने, खाली अपनी अपनी ही संपत्ति बनाई इन लोगों ने। अच्छा, तो अब जनता मतलब उसका जो है ना बदला ले लेगी? हाँ, उसका बदला लेगी जनता। तो भाई एक मतलब दिव्यांग ने खिलाड़ी ने टिकट मिली है तो यह कितनी पॉजिटिव चीज़ मान लो? एकदम सही है ये जो देवेंद्र जी को जो टिकट मिली है ये एक खिलाड़ी हैं और चूरू जिले में विकास करेंगे, अच्छा आदमी है, बड़ी आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो राहुल जी ने जो है भाई टिकट कटती है कांग्रेस की राह पकड़ ली, यो गलत है? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इनको 5 साल चुपचाप बैठना चाहिए था। कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है भारत में, कांग्रेस में ले क्या करेगा ये। गद्दारी पार्टी साथ, पार्टी के साथ गद्दारी है जो सरासर दिख रहा है। तो फिर मतलब तीसरी बार 400 पार करोगे मोदी जी का? 420 से पार ऊपर जाएगी। 420 तो ऊपर जाएगी, इतना तो मोदी जी कौन कहते ज्यादा। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम जी? अमर सिंह है। अपना क्या मानना है बाबूजी दोनों का, मोदी आओगे? देखो हमारे रामपुर गांव में ही मोदी है। अच्छा, बिल्कुल प्योर मोदी आएगा, मोदी मोदी के वोट है यहाँ पर। और बहुत अच्छा मतलब ये देवेंद्र झांझड़िया है ये भी नजदीक का है, बहुत सीधा लड़का है, इसके वोट देने में कोई हरजाना नहीं है, बहुत अच्छे है। अच्छा, वोट इसको देना चाहिए, वोट इसने देना। तो अब कसवा साहब की टिकट कटी है, दिग्गज नेता है कसवा साहब की तो वो टिकट कटनी थी, उन पहली गुस्ताखी करी थी उसकी गुस्ताखी होगी उसके साथ उसकी टिकट कट गई। क्या गुस्ताखी कर दी? पहली राठौड़ के साथ गुस्ताखी करी थी। अच्छा, पार्टी से आपकी पार्टी बीजेपी में मिला हुआ था, बीजेपी की मतलब वो काटते कर गया तो उसको वोट कौन देगा? हम नहीं देंगे उसको वोट, हम तो वोट तो मोदी को झांझड़िए को देंगे। अच्छा, देवेंद्र झांझड़िए। मन बोलने को नहीं आ भाई, मन बोलने को नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, मोदी ठीक आदमी करता है? मोदी बढ़िया आदमी है, देश में अपने देश को सबसे बढ़िया मोदी जी हैं, बस इतनी। हाँ बताऊंगा जी, ये कुत्तो है मोदी है, कुत्ता घंटी बांधा को नहीं तो ऐ नहीं जाऊंगा मैं तो। अच्छा, कहीं ना कौन जाओ। चेहरा तो मतलब एक होनी अपने मोदी नाम पर बात, मोदी का नाम पर बात है। तब अना तो आपको घर को राज कर रखे है, पुराने दिग्गज नेता, मैं तो आपको घर को राज है, कौन जाने झांझड़िए जागा। अब उनकी टिकट कटी है तो गलत तो है, टिकट अच्छा कटी तो और भी बढ़िया है। कारण कटने का? कारण यो कह कोई को नहीं, पार्टी कोई को नहीं, जब मारो कज आगे हो। पार्टी का तो है ही, इतनी बार जीतते ही है। कौन नहीं पार्टी को घर नहीं गलदारी कर गए हो? अच्छा, राठौड़ से इतनी गलदारी करी है, यो आदमी है कोई? तो फिर मतलब कि फिर तो मतलब बीजेपी की जनता खुश से इस बात पे टिकट कट? हाँ, खुश खूब ही। अच्छा, पंडा छुटिया? और पंडा छुटिया, गलदार आदमी कोई आदमी होना ही नहीं चाहिए ना जी। ना नारंग जी,
राम राम। अपना क्या मानना मोदी तीसरी बार आओगा? हाँ मोदी की राम प्रेस मोदी है बिल्कुल। अच्छा हाँ। चार सुपार वाली बात बन जाएगी? बनेगी तो बिल्कुल। तो बहुत साल हो गया ना करता एम पी, तो बहुत मुझे तो हो गया एम पी करता एम पी आपको मतलब सिद्ध करे हो। अच्छा तो ये भी मोदी कौन सा है, मतलब मोदी का ही वोट बनेगा, बाकी एम पी कौन बनेगा? फिर कसमा कर कांग्रेस से टिकट लिया और राहुल फिर कौन बने, फिर टक्कर कौन पीछे? क्या की कांग्रेस की तो खत्म ही हो, कांग्रेस टिकट खड़ा है कोई नहीं आओ ग्राउंड में आओगे तो कांग्रेस का नाम बंद है। अच्छा राम राम भाई, राम राम। शुभ नाम भाई? किशन सुभाष जांगड़ी। जांगड़ जांगड़ साहब अपना क्या मानना है एमपी चुनाव सर को ऊपर किस तरफ जाएगी? मोदी प्योर मोदी प्योर मोदी ना ना क्यों ही किसान धरने बैठे थे गलत काम ना ना मोदी। अच्छा प्योर प्योर तीसरी बार फिर मोदी जी? तीसरी बार नहीं पांचवी बार। अच्छा हाँ बिल्कुल मोदी। अच्छा बिल्कुल मोदी। तो अंदर झाजरे जितना का फिर हाँ तो कसमी टिकट कटी भाई साहब साले बात करना है? कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं हाँ बिल्कुल। हालांकि पूरा हम वोट दें को नहीं महाराष्ट्र में दें कश्मीर बदल जाए जनता के दर्द है, दिग्गज नेता है पुराने नेता हो तो बादशाह पचड़ा है। अच्छा तो कोई फर्क कौन पड़ा जनता का भाई कश्मीर टिकट कट? हां गम मत पड़ेगा तो वाला बोल। अच्छा तो झजड़ी कहां जाओगे फिर? खान लाओ अंदर झजड़ी दोगे वोट और तो मतलब मोदी का नाम पर देना रे हां मोदी का नाम पर मोदी किसे दे दे टिकट कोई को नहीं मोदी फिर नुकसान तो होगा ना वोटा का नुकसान तो है भाई कसमें टिकट कटी नुकसान को नहीं होगा जमा ही को नुकसान है हां गांव में फड़ी फड़ी के जी को नहीं मारे प्यार लग है। अच्छा हां बता दे के ये रोड जाए रात लाल खड़ी कड़ी लगाया को नहीं पूरे देख ले गली में कोई लाल खड़ी लाग रहे हो तो विकास कार्य नहीं करवाया कसमा साहब ने किन्ने को नहीं करायो वो अपनी अपनी संपत्ति बनाई है भाई। हां जी राहुल कसवाज ने हाँ। चूरू जिले में अपनी संपत्ति बनाई है। अच्छा और जनता कुछ नहीं किया उसने गांव ने तो सबसे पीछे रखे है सबसे पीछे रामपुरा रखा है कोई विकास नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ रामपुरा बिहारी में कुछ नहीं हुआ अभी तक रख दियो ने कई दिन बाद में बनी हमारी सकुल रख दी थी हाँ जी राम सिंह। अच्छा हाँ राम राम अंकल जी। राम 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 शुभ नाम अंकल जी। महेंद्र शर्मा अडवाणी तो है अडवाणी। अच्छा तो पंडित जी एमपी चुनाव सर को ऊपर किस तरफ जाए चूरू की जनता? भाई बात ये है कि सत्ता के पास साथ चलना चाहिए। अच्छा जनता को भी फायदा है क्षेत्र को भी फायदा है तो मतलब मोदी जी का नहीं बात मोदी जी के साथ तो 400 पार का नारा हो जाएगा पूरा बिल्कुल इसमें कन्फर्म है। तो अब देखो कसमा साहब की टिकट कटी है तो ये नुकसान नहीं देगा जनता कोई? देखो भारत की जनता बड़ी समझदार है आजकल। अच्छा और वो जो है सोच समझ के फैसला करती है अपना, किसी व्यक्ति के पीछे देश नहीं चल रहा किसी विचारधारा से देश चलता है। तो मतलब आप नुमानो देवेंद्र झजड़िया पार होगा इसमें? बिल्कुल 100% 100% 100% तो इतने दिग्गज नेता की टिकट काट की और मतलब एक नए चेहरा तारना की मानो दिग्गज कौन होता है? हम दिग्गज किसे कहें भाई हर बार चुनाव इतने चुनाव इतने सुनो इतना नहीं उनको सोचना चाहिए कि देश को उन्होंने क्या दिया उन्होंने पार्टी को क्या दिया उन्होंने पार्टी ने इनको सब कुछ दिया बाप एमपी बाप एमएलए माँ एमएलए माजी जिला प्रमुख बेटा खुद 2 बार का सांसद इन्होंने पार्टी को क्या दिया भाई पार्टी ने सब कुछ दिया तो देश तो पार्टी से चलता है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता कोई भी एक व्यक्ति पूरे चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। अच्छा और जो करता है वो देश के लिए करता है नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा है जिसके पीछे देश है। तो मतलब केंद्र में नरेंद्र और चोरू में देवेंद्र चोरू में देवेंद्र और जयपुर में भजन लाल। अच्छा हाँ जयपुर में भजन लाल तो बनेगी बात मतलब बनेगी इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता चैलेंज नहीं कर सकता चैलेंज ही नहीं है। अच्छा राम राम अंकल जी। राम राम शुभ नाम सुभाष अंकल जी। अब एमपी चुनाव सर के ऊपर है कमल को जाओ कमल को मोदी दोगे कमल को तो फिर कसमे टिकट कट के झाजड़ी नहीं मिली है कोई हो अपन कमल को फूल। अच्छा कमल का फूल है गरीब आदमी की खातर क्या कर दिया मोदी वो कौन मेरा मन में गरीब को नहीं गुरु को और मोदी ने करया क्या करया करियो ठीक काम करियो देना रे 8000 क्या करे बताइयो जी क्या करया गरीब आदमी भाई प्यार करे क्या बिल सुन बढ़ा दी सिलेंडर में पीछा कटा दिया और जो मोदी जो किसान ने पीछा दिया करे जमीन का वो बढ़ा दिया
सब कुछ बढ़िया बढ़िया करियो। अच्छा उतना बढ़िया करियो, देखो मिला के बढ़िया करियो है। ई 100 रुपया सिलेंडर में कम करा दिया महिला के नाम से। अच्छा काल से हैं। और हां और भी काम तो ठीक ही करे है देश के लिए, तो जनता के लिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश जब नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देश है तब है। पैसा राम 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 तो ले ले राम राम तो ले राम राम भाई। शुभ नाम कमलेश कुमार। कमलेश कुमार तो फिर वो कार्ड की को ले जा फोन मत ना चिंता माने। एक ही सवाल, मोदी ठीक आदमी गलत आदमी? बढ़िया है। के बढ़िया ने के कर दिया लेना मिला रखा सारा दिन तो हैं लेना में लाइना मिला रखा है। लाइना में तुम्हें लगता रहेगा। अच्छा काम तो बढ़िया कर है, पैसा बंद कर है तो भी कोई दुख कौन पायो। और ये बीमारी 12,000 रुपया कर दिया बताओ इनकी किसान वाला। और 100 रुपया सिलेंडर में कटा दिया बताओ। तो काम सारे ठीक करे हैं। हाँ बढ़िया करे हैं। तो अब चोरू तो जो है देवेंद्र झजड़िया खड़ा है, तो क्या जनता प्रेम मिलेगा देवेंद्र झजड़िया? भाई देखियो तो आज कौन से मिलेगा। पेट्रोल से 200 रुपया बिक जाओ मोदी चाहिए। अच्छा डीजल से 1,000 मोदी जी मंगो वो है देश का खतर करे है कि मैं फायदो कर दी हुई मैं फायदो करे है। तो मतलब भाजपाई टिकट जो लेके आओगा आप उसके साथ हो बात या हाँ बीजेपी की जो टिकट लेके आओगा साथ ही हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम भाई? गोपाल गुर्जर। गोपाल तो गोपाल अपने तो भाई चुनावी सर्वे चले एमपी चुनाव है। अच्छा तो के लगा किस तरफ जाएगी एमपी की एमपी चुनाव में चोरों की जनता, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी मोदी जी की तरफ। हाँ तो लाइन नाम लाए रखे यार देश तो परेशान है। मोदी परेशान है तो कोई बात को नहीं, अपना तो मोदी की सपोर्ट करा। मोदी की सपोर्ट करो? क्या कर दिया मोदी ने, क्यों सपोर्ट करो? करया तो करी रखा भाई करया के कुन। अच्छा करे ही है। राहुल कसवान जानो? राहुल कंसवान है। हाँ नाम सुने आगे। आपके पहली एमपी अब हालचोट के एमपी हुए और उनकी टिकट काट के नए बंधन टिकट दे दी देवेंद्र झाजड़िया ने। हाँ। तो क्या फिर भी मोदी जी का नाम पर जनता वोट देगी? हाँ मोदी जी फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है फुल। अच्छा